अस्सलामुअलैकुम, मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए पजल। ये पजल ऐसे हल करनी है कि जैसे मैं पहले गिनती काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये एक साइड पे 7 बनते हैं, दूसरी साइड अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों साइडों से इस तरह भी 7 है और इस तरीके से भी 7 है। अगर इन जो पूरे पॉइंट हमारे पास है इनमें से दो अगर पॉइंट हटा दिया जाए फिर भी गिनती 7 रहे, सपोज ये दो मैं पॉइंट जो है ये साइड पर रख देता हूँ, तो आप लोगों ने ऐसे हल करना है कि ये पॉइंट अगर ऐसे गिने तब भी 7 हो, इस तरीके से गिने तब भी 7 हो। जिस तरीके से मैं कोशिश करके आप लोगों को बताता हूं कि ये देखें कि दो पॉइंट हमने गायब कर दिए तो अब 7 कैसे हो सकते हैं। अगर हम इनको इस तरीके से रखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 बन जाते हैं, लेकिन इधर बनेंगे 1 2 3 4 5, तो 7 फिर नहीं बन रहे। अगर हम ये यहाँ पे रख देते हैं और इधर से हटा के ये रखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 बन जाते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 बन जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा वो जो टारगेट था 7 वाला वो पूरा नहीं होता। तो अगर हम ऐसे करें कि ये यहाँ पे रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इनको 7 7 हम कैसे कर सकते हैं कि ये वाले जो दो हैं ये हम उठा के ऐसे रख देते हैं, ये ऐसे रहने दें, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। नाज़रीन देखा ये पजल किसने अच्छे तरीके से और आसानी के साथ आपने हल कर ली। तो ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना है कि ये आपको पजल कैसे लगी, और ये डेली मैं इंशाल्लाह पजल आप लोगों के सामने पेश किया करूंगा और आप लोगों ने हल करके मुझे बताया करना है। इससे आप लोगों का आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका IQ लेवल कैसा है और अमली जिंदगी भी अगर कोई मसला पेश आता है तो आप उसको कितनी आसानी के साथ डील कर सकते हैं। इसमें पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, बाज कहते हैं जो अनपढ़ लोग होते हैं वो पढ़ो लिखों से भी ज्यादा बेहतर अंदाज में मसाइल को हल कर लेते हैं, और यही जिंदगी की पजल है। थैंक यू।